हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RGR क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग आज क्लॉक का लास्ट पार्ट देख रहे हैं जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में आपको, तो थोड़ा ध्यान से उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। बहुत आसान होता है, केवल लॉजिक बेस्ड होता है, ठीक है? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, बोल रहा है रवीना लेफ्ट हाउस फॉर द बस स्टॉप 15 मिनट्स अर्लियर देन यूजुअल। बोल रहा है क्या कि रवीना आज के बारे में बात कर रहा है कि आज रवीना जो है हमेशा जिस टाइम से निकलती है, यानी कि जितना समय से वो हमेशा निकलती है, यूजुअली वो जितना समय से निकलती है उससे आज जो है कि 15 मिनट जल्दी निकल गए। कहाँ जाने के लिए? तो बस स्टॉप जाने के लिए अपने घर से जो है कि निकली है, ठीक है? तो 15 मिनट जल्दी निकलती है। इसका मतलब क्या है कि एक टुडे है, आज का टाइम है, और एक अर्लियर है, अर्लियर बोल रहा है, रेगुलर टाइम है, यूजुअल टाइम है, यानी बोल सकते हैं यूजुअल डेली, डेली ये क्या करती है, जितना भी ये डेली टाइम से जिस टाइम से निकलती है आज क्या निकली है 15 मिनट पहले। तो 15 मिनट पहले कहने का मतलब क्या है कि जो टाइम में निकलती है उससे 15 मिनट पहले ही निकल गई, ठीक है? यानी -15 मिनट। इसमें तो दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे बोल रहा है इट टेक्स 10 मिनट्स टू रीच द स्टॉप। बोल रहा है क्या कि ये स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगाती है, ठीक है? यानी कि घर से निकली होगी और बस स्टॉप पे जब वो पहुंची होगी तो यहां तक में इसको 10 मिनट का समय लगा होगा +10, ठीक है? फिर आगे क्या बोल रहा है कि सी रीच द स्टॉप एट 8:40। बोल रहा है कि ये स्टॉप में पहुंची है कितना बजे आज? 8:40 AM में आज पहुंची। तो इसका मतलब 8:40 AM में अगर आज पहुंची है तो 10 मिनट आने में लगा है, इसका मतलब कि आज घर से कितना बजे निकली होगी? 8:30। और बोल रहा है क्या कि ये पहले वाला समय है। बोल रहा है 8:30 जो है ये आज वाला समय जो है कि ये पहले का समय है, क्योंकि 15 मिनट पहले निकली है। कहां से? यूजुअल से, ठीक है? इसका मतलब इधर से इधर जाते तो माइनस करते, लेकिन इधर से इधर जा रहे तो हमको क्या करना होगा, 15 मिनट और ऐड करना पड़ेगा। अगर हम इसमें 15 मिनट और ऐड करेंगे तो 8:45 हो जाएगा, यानी 8:45 AM में डेली निकलती है, आज 15 मिनट पहले निकली है, मतलब 8:30 में निकली है, 10 मिनट लगा, तो बस स्टॉप क्या कितना बजे पहुंच गए? 8:40 में। यानी कि क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि व्हाट टाइम डज ही यूजुअली लीव होम फॉर द बस स्टॉप, तो रेगुलर जो है कि वो कितना बजे निकलती है, तो 8:45 AM। तो बहुत आसान है बनाना, केवल आपका लॉजिक के थ्रू इस तरह के क्वेश्चन में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। एक तरह का क्वेश्चन आपको दिखाया, दूसरा तरह का इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। बोल रहा है क्वेश्चन क्या, देखिए रहेगा यही टाइप, लैंग्वेज में चेंजिंग आगे पीछे करेगा, जो भी टाइप आपको बताते चले जा रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन में, सारे टाइप का आप एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, आप उसके बाद क्वेश्चन बनाएं, सारा बन जाएगा, ठीक है? जैसे दूसरा टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे इसी में, अ बस फॉर दिल्ली लीव्स एवरी 30 मिनट फ्रॉम अ बस स्टैंड। बोला है क्या कि एक बस स्टैंड से दिल्ली के लिए हर एक 30 मिनट के बाद एक बस खुलती। इसका कहने का अर्थ यही है कि एक बस से दूसरा बस का बीच का टाइमिंग का डिफरेंस क्या है, 30 मिनट। यानी एक बस खुलेगी तो दूसरा बस फिर 30 मिनट के बाद खुलेगी, ठीक है? सिंपल सा लॉजिक है। फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है, एन इंक्वायरी क्लर्क राम बाबू, एक इंक्वायरी क्लर्क है, जो इंक्वायरी ऑफिस में एक क्लर्क बैठा हुआ है वो राम बाबू जिसका नाम है, वो किसको कहता है? तो श्याम लाल को कहता है। राम बाबू तो क्लर्क है लेकिन श्याम लाल क्या है, पैसेंजर है, ठीक है? ये पैसेंजर गया और इसको जो है कि ये पूछा होगा कि कितना है अगला ट्रेन, या जो भी ट्रेन है के बारे में पूछा होगा, तो इंक्वायरी क्लर्क राम बाबू श्याम लाल को बोलता है क्या, दैट द बस हैज ऑलरेडी लेफ्ट 10 मिनट एगो। बोलता है क्या कि एक बस था जो कि 10 मिनट पहले ही निकल गई, ठीक है? एंड द नेक्स्ट बस विल लीव एट 9:30 AM, और अगली बस जो है वो 9:30 AM में जाएगी, ठीक है? ये बात बोला। अच्छा क्या बोला कि पहली बस तो निकल गई 10 मिनट पहले लेकिन अगली बस 9:30 में जाएगी, 9 AM। अच्छा अगर नेक्स्ट बस अगर 9:30 में अगर जाएगी तो पहली बस कितना बजे गई होगी, 9 बजे।
एक बस से दूसरा बस का 20 का टाइमिंग क्या होता है, 30 मिनट का समय का डिफरेंस होता है। तो अगर अगली बस 9:30 में जाएगी तो इसका मतलब पहली बस 9 AM में गई होगी, इससे तो ये बात क्लियर। और इंक्वायरी क्लर्क जब बताया है कि अगली बस जाएगी, पहली बस गई है, तो इसका मतलब कंफर्म है अगली पिछली जाने वाला और आने वाला के बीच में जो है कि ये बात को बोला होगा। कौन? इंक्वायरी क्लर्क बोला होगा कहीं बीच में। और क्या बोला है कि अगली बस जो जाएगी 9:30 में, लेकिन पहली बस गई है वो 10 मिनट पहले गई। इसका मतलब क्या है कि 9 बजे अगर ये पहली बस गई है तो 10 मिनट के बाद ये बोला होगा, तभी ना बोला होगा कि 10 मिनट पहले गई है, यानी कि यहाँ से यहाँ 10 मिनट पीछे, लेकिन यहाँ से यहाँ 10 मिनट हमको ऐड करके जाना होगा। ठीक है, तो 9 बजे में अगर हम 10 मिनट ऐड करें तो इसका मतलब 9 बज के 10 मिनट में इंक्वायरी क्लर्क पैसेंजर को बोला होगा कि 9:30 में अगली ट्रेन जाएगी या पिछली ट्रेन 10 मिनट पहले गई है। देखिए 10 मिनट पहले गई है, 9 बजे गई है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि एट व्हाट टाइम डिड द इंक्वायरी क्लर्क गिव दिस इंफॉर्मेशन टू श्यामलाल, श्यामलाल को ये बात कब कहा? तो 9:10 में कहा। ठीक है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एकदम ध्यान से देखिएगा तुरंत बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, जिस तरह इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोग बनाए उसी तरह का क्वेश्चन है, केवल बात अलग बोल रहा है। ठीक है, लैंग्वेज केवल चेंज कर दिया। बोल रहा है क्या कि द प्राइस्ट पुजारी टोल्ड द डिवोटीज, अपने शिष्यों को कहता है, क्या कहता है, द बेल इज रंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 45 मिनट। बोलता है कि घंटी हर एक 45 मिनट के बाद बजती है। द लास्ट बेल वाज रंग 5 मिनट एगो। बोल रहा है कि पिछली जो है, लास्ट मतलब क्या, जस्ट पहले वाली, अंतिम समय में जो बजी है वो 5 मिनट पहले एक बार घंटी बजी है। ठीक है, 5 मिनट एगो, 5 मिनट पहले बजी है। बोल रहा है द नेक्स्ट बेल इज ड्यू टू बी रंग एट 7:45 AM। बोल रहा है कि अगली घंटी कितना बजे बजेगी, 7:45 AM में। तो वही पूछ रहा आपसे कि एट व्हाट टाइम डिड द प्राइस्ट गिव द इंफॉर्मेशन टू द डिवोटी। तो पुजारी जो है कि शिष्य को कितने समय में, कितने बजे जो है कि ये इंफॉर्मेशन दिया, ये सूचना दिया कि पिछली बेल 5 मिनट पहले बजी है, अगली बेल जो है 7:45 में बजेगी, ये इंफॉर्मेशन कब दिया। तो सिंपल सा बात, पहली बेल दूसरी बेल, पहली बेल से दूसरी बेल के बीच का टाइम कितना लगता है इसको, 45 मिनट। दूसरी बेल का टाइम दिया है कि 7:45 AM में बजा है, इसका मतलब साफ है कि पहली बेल 7 AM में बजी होगी, और इसी बीच में कई इंफॉर्मेशन दिया गया है पुजारी के द्वारा। ठीक है, और दिया गया तो क्या बोला गया कि 5 मिनट पहले जो है कि पहली घड़ी बजी है, 5 मिनट पहले बजी है बोल रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ 5 मिनट पहले, लेकिन यहाँ से यहाँ हमको जाना है तो 5 मिनट को ऐड करना पड़ेगा। तो 7 और 5 क्या हो गया, 7:05 AM। इसका मतलब साफ है कि 7:05 AM में डिवोटीज को इंफॉर्मेशन दिया है प्राइस्ट। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, एकदम पिछला क्वेश्चन की जैसा ही है, केवल ध्यान से आपको इसको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। बोला है क्या, एज आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, आई केम टू नो दैट, मुझे मालूम पड़ा कि आई रीच 30 मिनट्स अर्लियर, मुझे क्या मालूम पड़ा कि मैं 30 मिनट पहले आ गया। ठीक है, एंड द ट्रेन वॉज 1 hour and 30 minutes लेट। जबकि क्या इसको पता चला कि, और जो ट्रेन जो है इसको तो पहले पता चला कि 30 मिनट पहले ही आ गया है। ठीक है, और जो ट्रेन जो था वो 1.5 घंटा यानी 1 घंटा 30 मिनट देर था, यानी लेट था अभी, और लेट से आएगी। सो इट अराइव्ड एट 6:20, लेट से आएगी मतलब कितना बजे आएगी, तो 6:20 में आएगी। AM PM नहीं दिया, डायरेक्टली टाइम दिया 6:20 में आएगी। ठीक है, तो व्हेन डिड आई रीच द स्टेशन, तो मैं स्टेशन कब पहुंचा। सिंपल सा बात कि ट्रेन अब आएगी कितना बजे, 6:20 में। ठीक है, और ये जो 6:20 टाइम है ट्रेन के आने का, ये क्या है, 1.5 घंटा लेट है, यानी कि एक्चुअल में ट्रेन को कितना बजे आना चाहिए था, तो इसमें से हमको 1.5 घंटा माइनस कर देना होगा। तो 1.5 घंटा अगर हम माइनस करें तो ये आवर है, ये मिनट है, तो 20 में से 30 घटेगा नहीं, यहाँ से हम कैरी करेंगे। ठीक है, तो आवर यदि 1 इसको देगा, मतलब ये मिनट में कितना देगा, 60 देगा, और इसके पास आवर में कितना बच जाएगा, 5, एक देगा घंटा, मतलब मिनट को देगा 60, तो 60 और 20 मिनट के पास कितना हो गया, 80, 80 में से 30 गया तो 50 मिनट, और 5 में से 1 गया तो 4, यानी 4:50 में ट्रेन को आना चाहिए था। ठीक है,
4:50 में ट्रेन को क्या होना चाहिए था, आना चाहिए था, लेकिन ट्रेन आ रहा है कितना बजे, 6:20 में। चलिएगा 4:50 में तो ट्रेन को आना चाहिए था, ये ट्रेन का एक्चुअल टाइम था, एक्चुअल टाइम ऑफ ट्रेन है, एक्चुअल टाइमिंग था किसका, ट्रेन का 4:50 था। लेकिन ये आदमी जो है ये एक्चुअल टाइमिंग से क्या हुआ, 30 मिनट पहले ही आ गया था, ठीक है। इसका मतलब आदमी का जो है कितना बजे आया होगा, 30 मिनट पहले अगर आया है, मतलब इस टाइम से 30 मिनट पहले आया है, तो इसमें से 30 मिनट को हम कैंसिल करते हैं, यानी कहने का मतलब है कि 4:20 में ये आदमी आया होगा, 30 मिनट पहले ही आ गया, 4:20 में आ गया, 4:50 में ट्रेन आने वाला था कि 4:20 में आदमी आ गया, ठीक है। तो वही तो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, व्हेन डिड आई रीच द स्टेशन, तो ये आदमी स्टेशन में कितना बजे पहुंचा, 4:20 में पहुंचा, मेरा ये आंसर हो गया, ठीक है, 4:20 में पहुंचा, ठीक है। तो इसको पता चला कि 30 मिनट पहले आ गया है, मतलब इसको 4:50 में आना चाहिए था, किसको आना चाहिए था, इसको भी और ट्रेन को भी, लेकिन ट्रेन क्या है, 1.5 घंटा लेट है, 1.5 घंटा लेट मतलब कितना बजे आएगा ट्रेन, 6:20 में, बोला तो था, चेक भी कर लेंगे नीचे से, दोनों बात हम देख लिए, सही है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जो है कि मिसलेनियस पार्ट के क्लॉक के सीरीज में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ हम लोग जो है कि आज क्लॉक को समाप्त करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। जितना तरह का क्लॉक में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सारा मैंने जितना भी पार्ट अभी तक क्लॉक में पढ़ाया है, सारा तरह का क्वेश्चन आपको बता दिया है, एकदम कंफर्म है कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप जाइएगा, क्वेश्चन यहीं से फंसने वाला है क्लॉक में, ठीक है। बाकी इसके बाद रीजनिंग में अब हम लोग किसी दूसरे चैप्टर, नए टॉपिक के साथ हम लोग चलेंगे, इस टॉपिक को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। बाकी आपके पास अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना क्वेश्चन लिख दें, ताकि कि मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और हाँ, आप लोग कमेंट जरूर किया करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, जब तक आप कमेंट करके बताएंगे नहीं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, तो कुछ मुझे पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले लड़कों तक शेयर करें, खुद सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद नीचे एक रेड कलर का बेल आइकन होगा, उसको आप प्रेस कर दें, ताकि कि मेरे वीडियो का समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, बाकी के समय आप पढ़ते रहें और मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।